इस क्वेश्चन में हमें बोला है राइट अ पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना इन टू वेरिएबल्स दो इक्वेशन होनी चाहिए और उन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते है बच्चा जब इक्वेशन किस फॉर्म में हो पहले तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन टू जीरो इक्वेशन वन इक्वेशन टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज टू जीरोनाइट सोल्यूशन कब होंगे जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी टू हो और इन्फनाइट सॉल्यूशन की जगह कोइंसाइडिंग लाइन भी आ सकता है कि एक के ऊपर एक लाइन हो ग्राफ उनका ये हो और कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट भी कहते है इसे हैं इसे हम तो दो इक्वेशन लिखनी है तो पहले अब पहली इक्वेशन तो हम कुछ भी लिख देंगे अपने मन से लाइक like, लिख देते हैं थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ना बच्चा उसकी दोनों साइड को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो चाहे थ्री से कर दो चाहे फोर से कर दो चाहे सिक्स से किसी से भी कर दो तो मैं चलो सेवन से करता हूँ इसको बोथ साइड को करना है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू इक्वेश मल्टीप्लाई किया और जीरो इंटू सेवन आर एच एस को भी कर दिया अब देखो ये क्या बना ट्वेंटी वन एक्स माइनस थर्टी फाइव वाई प्लस फोर्टीन और जीरो मल्टीप्लाई सेवन इज जीरो इक्वेशन टू बन गई अब चेक करो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें और ये ऑब्वियसली होगी देखना देखो ए वन अपॉन ए टू थ्री अपॉन ट्वेंटी बच्चा थ्री अपॉन एक्स काफिशंट इन इक्वेशन वन ए वन होगा और एक्स का कॉफिशेंट इक्वेशन टू में ए टू होगा थ्री अपॉन ट्वेंटी वन तो कैंसल करके वन अपॉन सेवन b1 वन अपॉन बी टू बी वन अपॉन बी टू वाई काफिशियंट इक्वेशन वन में जो कि माइनस फाइव है और b2 टू वाई काफिशियंट इन इक्वेशन टू माइनस थर्टी फाइव तो वन अपॉन सेवन ऐसी टर्म ऑफ बोथ द इक्वेशन सी वन कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन सी टू कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन तो ये भी कट गया तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ए वन अपॉन ई टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो यस सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई तो हमारा आंसर ये दो इक्वेशन रह जाएगा